बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं हर हूँ यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, मुझे कहते हैं हाफिज़ा मरियम यूसुफ, और आपको कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जरूर फॉलो कर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कुशन। ये मेरे पास वाइट कलर का सफ़ेद रंग का सादा कपड़ा है, इसको मैंने 15 इंच में कटिंग करनी, चारों तरफ से 15 इंच का मैंने इसको कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको मैंने यूं करके तय लगाना, ब्लैक तय लगाने के बाद मैंने इसको स्केल की फुट्टे की मदद से लेड पेंसिल के साथ मैंने इसको 1-1 इंच के निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद अब ये मेरे पास चने हैं और ये मेरे पास व्हाइट कलर का सफ़ेद कलर का धागा है। सफ़ेद कलर का धागा हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कलर नहीं छोड़ता, और जब ये कलर नहीं छोड़ता तो कपड़ा ख़राब नहीं होता। अब मैं आपको बताऊँगी ये टाई का, ये बांधने का तरीका। ये बस ये देखिए, ये मैंने अब धागा लिया, मैंने पहले ही छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लिया। अब मैं इसको यूँ करके बांध लूँगी। ये देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें दरकार हैं वो बताया था बांधने का तरीका। अब ये मैंने बांध लिया, बांधने के बाद इसकी शेप यूँ आएगी। उसके बाद ये मेरे पास हैं 1 टीस्पून कलर है, 1 टीस्पून 1.5 मेरे पास नमक है, और 1 टीस्पून मेरे पास सर्फ है, और मैंने नमक में थोड़ा सा वो फनाइल की गोली जो है ना उसको थोड़ा सा इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें पानी डालूँगी अपने बर्तन में, इसमें मुझे कलर बनाना है। आफ्टर 2 मिनट्स का ये बॉयल हो गया, मैं इसमें डालूँगी नमक डालूँगी, नमक डालने के बाद मैं सर्फ डालूँगी। ठीक है, और सर्फ डालने के बाद ये मैं इसमें कलर ऐड कर दूँगी। फ्लेम थोड़ी कम कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास छड़ी है जिसकी वजह से मैं यूँ भी मिलाऊँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रह जाए, ताकि कलर ख़राब ना हो। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरे पास ये कपड़ा था इसको मैंने इसमें भिगो लेना है। भिगोते इसलिए हैं क्योंकि ये फिर कलर बहुत अच्छा आता है, अंदर तक कलर जाता है। आप भी बस देखें पानी में जोश आ रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा जब। उसके बाद फिर मैं इसको ट्राई करूँगी। पहले मैंने इसको ट्राई कर लिया, अब मैं इसको ट्राई करूँगी। बस आप ये देखें ये मिल जाएगा इसमें। हमारे पास चूल्हे को बंद कर दिया। अब ये देखें मैंने बाउल में ठंडा सादा पानी ले लिया, और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। आप अपने बाज़ार में से किसी भी रंग साज की दुकान से आराम से आपको ये कलर मिल जाएंगे। ये देखें, अब मैं इसको इसमें यूँ डिप कर दूँगी ठंडे पानी में। देखिए माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आया, ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना अच्छा कलर है। अब मैं इन दागों को हल्के हाथ से खोल लूँगी। आपने अगर कैंची का इस्तेमाल करना है तो ये ध्यान रखना है कि कपड़ा जो है वो कटे ना, नोक लगे ना। अगर कपड़ा कट गया तो आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अब मैं आपको कुशन सिलाई करके फिर दिखाऊँगी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं अमलीकम भी, बस ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देखिए सेंटर में ये फूल सा बन गया गोल सा, और साइडों पर देखिए ये लाइनिंग हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब हमने इसके लिए टसल में तैयार करूँगी। टसल के लिए हम ये बराबर सा धागा ले लेंगे, पश्चिम पैसे गोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आराम से मार्केट में से ये मिल जाएगा, लेसिस वाली दुकान से या नलकी वाली दुकान से आराम से मिल जाएगा। ये देखें इसको यूँ गिरा लिया के, अब हमने इसको यूँ कर लेना। और हाँ, अभी बस याद रहे कि ये जो धागा है ये पश्चिम का नहीं होना चाहिए, कि किसी नलकी का होना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम का धागा फिर टूट जाता है। अब ये देखें इसको यूँ करके अब मैंने अच्छे से बाइंड कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये देखें इसको करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अच्छी सी गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने के बाद तकरीबन 1 से 2 गिरा लगाएँ आप, ताकि ये खुले ना, धोने के बाद भी ये बिल्कुल ना खुले। ये देखिए हमने इसको दूसरी गिरा भी लगा ली। बस अब ये जो हमारे पास ये धागा है हम इसमें अब मोती निडल की मदद से हम इसमें अब मोती डालेंगे। कितना खूबसूरत है, आगे मैंने 3 और तैयार करके पहले रख लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। ये देखें ये मैंने कितना खूबसूरत कुशन तैयार हो गया है हमारा। ये टसल भी इसके लग गए हैं चारों कोनों पर, ये देख सकते हैं आप। इसमें 3-3 मोती लगाए हैं। ये देखिए ये डाई किया गया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।